दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये लेज़र का कुकटॉप है दोस्तों, और ये टच पैनल वाला है, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका फ़ैन रनिंग नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है। तो आज की इस वीडियो में इसी को ठीक करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से आपको टेस्ट करके पहले दिखाते हैं दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम और क्या दिक्कत है। यहाँ से पावर कनेक्ट करेंगे दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल रनिंग नहीं कर रहा है, घूम नहीं रहा है, तो इसी को ठीक करेंगे। तो यहाँ से टच करके आपको दिखाते हैं, ऑन करके बिल्कुल रनिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ से पावर निकालेंगे और इसको यहाँ से फटाफट आपको खोलेंगे, खोल के इसको ठीक करके दिखाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अगर आपके इंडक्शन में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है देखना। तो यहाँ से इसका जो ऊपर का ग्लास है हटा लेंगे, और हटा के दोस्तों इसका जो फ़ैन है यहाँ से आपको दिखाते हैं। यहाँ से ये जो फ़ैन है थोड़ा जाम भी है, तो इसको भी ठीक करेंगे। तो सबसे पहले इसको ऊपर दो स्क्रू होता है, दोनों स्क्रू को यहाँ से बारी बारी खोल लेंगे और उसको उठाएंगे। ओहो, इसका तो वायर टूटा हुआ है दोस्तों, यहाँ से वायर अलग है दोस्तों, छूट गया है। तो इस वायर को भी ठीक करेंगे और इस फैन को भी ठीक करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से जो फैन है ऊपर स्टिकर लगा होता है, ये यहाँ से आपको दिखाते हैं। ये स्टिकर यहाँ से हटाना है और ये स्टिकर यहाँ से निकाल देना है, और निकाल के दोस्तों इसको ठीक करेंगे। तो यहाँ से इसको कुकटॉप को हटा लेंगे और इसको पहले ठीक करेंगे। तो यहाँ पर एक लॉक होता है दोस्तों, इस लॉक को यहाँ से निकालेंगे, निकाल के अलग कर लेंगे इसको लॉक को, ये सॉफ्ट में रुका रहता है, लगा होता है, यहाँ से निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। और ये जो कॉयल है यहाँ से खींच लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे, और इसकी सफाई करेंगे दोस्तों पहले। तो इसकी साफ़ सफाई कर लेंगे ताकि फ्री भी हो जाए, और इसको लगा के दिखाते हैं। तो ये सब वो ब्रश से साफ़ कर लेगा अच्छे से। और यहाँ पर कैसे वायर जोड़ना है, तो यहाँ पर जो वायर है दोस्तों ये निकाल लेंगे, यहाँ से क्लिप जो होती है कुकटॉप इंडक्शन से, यहाँ से क्लिप निकाल के इसका वायर निकाल लीजिएगा, और इसका वायर का साफ़ कर लीजिएगा, और साफ़ करके इसको जोड़ते हैं। तो इसमें माइनस प्लस होता है दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसे जोड़ना है। तो यहाँ पर गौर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दो पॉइंट है, तो इस पर माइनस प्लस का सिंबल बना होता है, यहाँ पर गौर करिएगा, इस पर यहाँ पे माइनस प्लस का सिंबल बना होता है। तो इसको जोड़ेंगे, जो लाल वाला वायर है इसको, जो प्लस वाला सिंबल है इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये वाला लाल वाला हो गया, और जो माइनस वाला सिंबल बना है तो उस पर ये काला वाला वायर, इसको इस तरह से आराम से अच्छी तरह से इसको भी सोल्ड कर देंगे, दोनों वायर अच्छी तरह सोल्ड करके दोस्तों। और इसमें देख लेंगे अच्छी तरह जुड़ा है ना, और इसको बीच में जो इसकी सफाई कर लेंगे ताकि कोई शॉर्टिंग वगैरह या कोई टच वगैरह ना हो, और इसको फिर यहाँ से देखेंगे कोई शॉर्टिंग वगैरह या कोई टच वगैरह नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल ओके है। अब इसको यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों, तो इसको यहाँ पे वायर को सीधा देख के यहाँ पे बैठाएंगे, और इस वायर को यहाँ अंदर डाल के, और इसमें लॉक होता है यहाँ पर, इस लॉक पर बैठा देंगे वायर को, ये हो गया। और यहाँ बीच में बूस पर थोड़ा सा एक दो बूंद आयरन डाल देंगे दोस्तों, और ऊपर का जो ब्लेड है यहाँ जो सॉफ्ट अंदर डाल के बिल्कुल ओके फ्री। और इस लॉक को यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों, तो ये छोटा सा लॉक इस सॉफ्ट में घाट होता है, तो यहाँ पर लगा के इसको चिमटी से आराम से इसको बैठा दीजिएगा, और ये बैठ जाएगा बराबर इस तरह से, और ये खींच के देखेंगे बिल्कुल ओके है, और ये बिल्कुल फ्री हो गया दोस्तों, ओके। अब ऊपर का स्टिकर यहाँ पर चिपका देंगे दोस्तों, इस तरह से ऐसे चिपका दीजिएगा, ये ओके हो गया फैन हमारा। अब इसको लगाएंगे दोस्तों, लगा के टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो कुकटॉप है इसको फैन यहाँ पर सेट करते हैं, यहाँ पे जो फैन की जगह है इस पर लगाएंगे, और ऊपर दो जो स्क्रू है दोस्तों इसमें लगा के दोनों स्क्रू को हम अच्छी तरह से बारी बारी दोनों को टाइट कर देंगे, और इस वायर को यहाँ पर लगा के, और यहाँ से अंदर डाल के और लगा के, और इस क्लिप में बैठा देंगे बिल्कुल ओके। और ये जो मेन लीड है इसको भी यहाँ पे बैठा देंगे, ओके ओके दोस्तों। अब आपको टेस्ट करके दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको बढ़ावा मिलती रहे और आपका काम आसानी से बन जाए। देख रहे हैं दोस्तों इंडक्शन आ गया, यहाँ से टच करेंगे, रनिंग करने लगा दोस्तों, बिल्कुल ओके, बिल्कुल मस्त चलने लगा दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, और ये बिना फैन बदले आपका इंडक्शन जो कुकटॉप है ओके हो गया। अब इसका ग्लास लगा के दोस्तों
यहाँ से स्क्रूप लगा के और फिर इसको मेन पावर में लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सीधा कर लेंगे और इसको यहाँ से मेन पावर से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर पानी रख के आपको दिखाते हैं। तो इस पर रखेंगे हम पानी वाला बर्तन, और पानी वाला बर्तन रख के और इसको यहाँ पर आपको हीट करके दिखाते हैं। तो यहाँ से ऑन करेंगे, टच करेंगे, ओके, और यहाँ पे माइनस होता है और उस साइड प्लस होता है दोस्तों। यहाँ से कम बढ़ती हो जाता है, यहाँ से प्लस करेंगे तो बिल्कुल ओके। थोड़ा सा वेट करिए दोस्तों, अभी पानी हीट होने लगेगा। देख रहे हैं दोस्तों, भाप आने लगी, बिल्कुल ओके। दोस्तों इस तरह से अपने ख़राब इंडक्शन कुकटॉप का फैन रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, घर पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को खूब खूब शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।